रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारे दो लास्ट स्टेप्स रहते हैं बायोलॉजिकल मेथड के, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लास्ट स्टेप जो है एक्सपेरिमेंट्स के बाद, दैट इज़ समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं? नंबर वन, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से जो डेटा हमें मिलता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं। एनालाइज द डेटा, एनालाइज द डेटा। डेटा एनालिसिस के लिए हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो स्टैटिकल, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और इसके साथ इसमें हम एवरेज निकालते हैं डेटा की, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है एवरेज निकालते हैं, और एवरेज के बाद फिर हम डेटे का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद फिर हम उसके रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल करते हैं। दोबारा फिर देख लें, जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए वो, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं, उसमें एवरेज भी निकालते हैं, और जो दो एक्सपेरिमेंट्स, जो एक कंट्रोल ग्रुप होता है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, वो उसको, उसका जो डेटा है उसको एनालाइज करके उसका फिर कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के बाद जो आउटपुट निकलती है उसको हम रिजल्ट्स का नाम देते हैं। तो ये जो स्टैटिकल एनालिसिस है ये क्या चीज़ है? स्टैटिकल एनालिसिस ये असल में ये मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जो हम डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा डेटा? न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? जो नंबर्स में हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं नंबर्स की फॉर्म में हो, उसको हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। फिर हम एवरेज भी निकालते हैं। एवरेज है वो आपको पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं? बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके, जितनी तादाद होती है नंबरों की उसको, उस पर डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल आती है। फिर कंपैरिजन करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के बाद फिर आउटपुट निकालते हैं जो हमें रिजल्ट्स की सूरत में मिलती है। ये करने के बाद फिर जो लास्ट स्टेप है, दैट इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आता है उसको पब्लिश करवाया जाता है। द रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड किसमें पब्लिश करवाया जाता है? इन साइंटिफिक जर्नल्स, इसमें पब्लिश करवाया जाता है। साइंटिफिक जर्नल्स जो हैं वो क्या होते हैं? ये बुकलेट्स होते हैं जिसमें जो साइंटिस्ट है अपनी अपनी फाइंडिंग्स या अपने अपने रिसर्च पेपर जो है ये पब्लिश करवाते हैं, ताकि दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो भी उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। या फिर ये इसको पब्लिश करवाया जाता है इन बुक्स,
बुक्स में पब्लिश करवाया जाता है, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करवाया जाता है, फिर इसके अलावा इसको डिस्कस किया जाता है इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल डेटा को डिस्कस किया जाता है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। कहाँ पर डिस्कस किया जाता है? इन यूनिवर्सिटीज, एंड कॉलेजेस इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स। सेमिनार्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट अपनी अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, उसको हम सेमिनार्स कहते हैं। सेमिनार्स में क्या होता है? साइंटिस्ट अपनी अपनी फाइंडिंग्स, अपने अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए ये दो तरह से इम्पोर्टेंट है। एक, ताकि इसकी वेरिफिकेशन हो सके कि ये रिजल्ट्स जो है, ये हमने जो हासिल किया है अपने एक्सपेरिमेंट से, ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, दैट अदर साइंटिस्ट मे यूज़ the results, ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये दो स्टेप्स थे, लास्ट स्टेप थे समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट और रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में क्या करते हैं? हम न्यूमेरिकल डाटा एक्सपेरिमेंट से हम उसको एनालाइज करते हैं, उसमें स्टैटिकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, एवरेज इस्तेमाल करते हैं, फिर डाटा को कंपैरिजन करते हैं, फिर रिजल्ट्स कंपाइल करते हैं। जब रिजल्ट्स कंपाइल हो जाते हैं उसके बाद फिर हम उसको पब्लिश करवाते हैं। पब्लिश किस में करवाते हैं? साइंटिफिक जर्नल्स में। ये बुकलेट्स होते हैं जिसमें अपने अपनी रिसर्च फाइंडिंग जो है वो पब्लिश करवाई जाती हैं, या फिर बुक्स में पब्लिश करवाया जाता है। फिर इसको डिस्कस किया जाता है टॉक्स में एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, और सेमिनार्स करवाए जाते हैं जिसमें यही रिजल्ट्स जो हैं ये डिस्कस किए जाते हैं। ये सारा जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दूसरे साइंटिस्ट जो हैं इन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकें कि ये गलत है या सही है, और अगर ये सही ठीक है तो फिर अदर साइंटिस्ट कैन यूज़ दीज रिज़ल्ट्स, अपनी अपनी रिसर्च में ये रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेटे ये जो बायोलॉजिकल मेथड था इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो पूरे हो गए। उसके बाद हम कल इसकी एग्जांपल लेकर आगे चलेंगे। तो आज आपकी जो डायरी है वो आपने क्या करना है, यही दो क्वेश्चन बनेंगे, राइट ए नोट ऑन समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट ए नोट ऑन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो ये बेटे ये आप तैयार करके आएंगे, कल हम मलेरिया की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।